big round of applause. Well known for his remarkable skill and tenacity, Aman's performance in wrestling at the Paris Olympics was nothing short of exceptional, and of course he won a bronze medal for India. आप से लोग बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। जब आपका मैच चल रहा था हम लोग लाइव थे। आइए पीछे आइए थोड़ा। देखिए ऐसी जब गेम्स होती है ना तो हमें तो समझ नहीं आता कि आप लोग कैसे इतनी एनर्जी करते हैं। उस टाइम इतना परफॉर्मेंस प्रेशर होता है सबके ऊपर। आपको पता है पूरा देश देख रहा है, पूरा देश मेडल चाहता है, एक्सपेक्टेशंस इतनी सारी होती है। वो परफॉर्मेंस प्रेशर आप कैसे डील करते हैं? मैच से पहले आपने क्या किया, किससे बात की? जी प्रेशर तो ओलंपिक में रहता ही है। फिर हमारे गुरुजियों ने बस ऐसे ऐसे समझा के भेजा था कि ऐसे मत सोचना कि तू ओलंपिक में खेल रहा है, ऐसे सोचना कि स्टेट लेवल पे खेल रहा है। बस यही सोच के खेल रहे थे कि भाई स्टेट लेवल पे खेले तो अच्छा खेला गया। मैं ज्यादा प्रेशर नहीं लिया, भाई ओलंपिक में खेल रहे हैं, भाई देशवासी देख रहे हैं, तो मैं ऐसा सोचा ही नहीं भाई कि नॉर्मल कॉम्पिटिशन लड़ रहे हैं, तो यही सोच के खेल रहे थे। और आप सबकी स्टोरीज बहुत इंस्पायरिंग होती है। आप सब बहुत कम बात करते हो, आई थिंक ज्यादा एक्शन में आप लोग बिलीव करते हो, अनलाइक यू नो अ लॉट ऑफ टेलीविजन जर्नलिस्ट। लेकिन अमन ये बताइए, जहां तक आप पहुंचे हैं ये जर्नी बहुत आसान नहीं हुई है। पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर बहुत सारे हार्डशिप्स आपने देखे हैं। क्या हम लोगों के साथ आप ऐसा शेयर कर सकते हो जो सबको इंस्पायर करे? अमेजिंग इंडियंस की बात है, आप खुद एक अमेजिंग इंडियन है, तो कैसे हम सब भी आपकी तरह अमेजिंग इंडियंस बन सकते हैं? बस यही जी, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष देखा कि मेरे माता पिता बचपन में छोड़ के चले गए थे। बस फिर तो यही सोचे भाई ओलंपिक में मेडल लाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, तो बस मुसीबत आती गई और मैंने अपना टारगेट नहीं छोड़ा। बस ऐसे ही सोचा भाई अब तू मेहनत करता, आगे अच्छा समय भी आएगा, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बस यही सोच के मेहनत करते गए। बिल्कुल, आपकी मेहनत रंग लाई है, हम सबको आप पर बहुत गर्व है। बिकॉज आई हैव द प्लेजर ऑफ हैविंग बोथ किरण रिजिजू एंड राजीव जी, अगर आपकी परमिशन हो एक एक सवाल इनसे भी लेते हैं। आई एम श्योर इनको भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछने होंगे। ये तो बहुत छोटा उम्र है अभी और इनको बहुत, और जिंदगी में कई ओलंपिक्स, हम तो यही दुआ करेंगे कि और दो तीन ओलंपिक्स खेले। लेकिन इतना कम उम्र में ओलंपिक मेडल जीतने वाला बहुत कम लोग होते हैं। अभी हरमनप्रीत बहुत सीनियर ओलंपियन है, बहुत सीनियर है और दो ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं, ऐसे सीनियर भी होते हैं। ये फर्स्ट टाइम और पहला ओलंपिक में मेडल जीतना, मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि अभी रेसलिंग का जितना जो आपका एकेडमीज जहां जहां आपका ट्रेनिंग चल रहे हैं, मैं खेल मंत्री था तो मैं खुद जाके देखता था, अभी थोड़ा सा गैप हो गया, मिलता हूं लेकिन इतना समय मिलता नहीं है। ट्रेनिंग का समय में आपका कोच, आपका जो पूरा टीम है, एक्सपर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, आपका मशियर होते हैं, कहीं कोई कमी नजर आता है? और भारतीय कुश्ती को इम्प्रूव करने के लिए आपका दिमाग में क्या है, क्या करना चाहिए सरकार और जनता? सरकार को तो बस यही, जो अब टॉप स्कीम में इतनी स्कीम निकाल रखी है तो इनमें काफी मदद मिल रही है और हर एक सेंटर में बच्चे अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे सेंटर में तो बहुत अच्छी कर रहे हैं भाई, सरकार की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता सरकार के बारे में, जो काम कर रही है इससे ज्यादा तो क्या। ये पॉलिटिकली करेक्ट सवाल था, पॉलिटिकली करेक्ट जवाब। राजीव जी, आप हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत इंस्पिरेशन हैं, तो अमेजिंग इंडियंस एक आपके लिए बहुत ही एक अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है। ये बताइए कि आपका 29 के लिए क्या प्लान है, 29 ओलंपिक्स का क्या प्लान है आपका नेक्स्ट ओलंपिक्स में? नेक्स्ट ओलंपिक में तो यही प्लान, जो इस ओलंपिक में कमी रह गई वो पूरी करेंगे और मेडल का रंग जरूर बदलेंगे अगले ओलंपिक में, और देशवासी अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे हैं। थैंक यू। जय हिंद। और अमन, आप जाएं इससे पहले एक छोटा सा सवाल, वेट को लेकर बहुत चर्चा थी। मुझे याद है आपके मैच से भी पहले आपके कोच की मैंने एक बाइट, एक रिएक्शन सुना था, उन्होंने भी ये कहा था कि अमन को लेकर भी हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन अमन ने वो वेट कम कर लिया। तो मतलब कैसे ये सब होता है? विनेश का पूरा मामला था, हार्ट ब्रेक था हम सबके लिए, हम सब उम्मीद लगा के बैठे थे कि मेडल आएगा। वेट का तो ऐसा है कि भाई दो दिन वेट दिखाना पड़ता है, एक दिन पहले बाउट, मतलब 7 बजे वजन होता है और 3 बाउट होती है पूरे दिन में,
फिर वे बाउट लड़ने के बाद फिर अगले दिन जो मेडल बाउट है वे अगले दिन होती है सुबह, फिर 7 बजे वजन दिखाना पड़ता है, तो फिर वे शाम को 6 बजे खत्म हो जाती है, तो 12-13 घंटे मिलती हैं, उसी में वेट लॉस करना पड़ता है। मेरा 3.5-4 किलो वजन ज्यादा हो गया था, फिर मैंने पूरी रात मेहनत करी, बस मेरा टारगेट यही था कि पहले तो मेन तो वजन है, मेडल की तो बाद में सोचेंगे भाई, पहले तो वजन लाना था, बस पूरी रात मेहनत करी, सुबह 6 बजे वजन आया, जाके जिम में ही रहे, इतनी पूरी रात वजन नहीं आ लिए थे, वजन लेके ही रूम में गए थे सुबह 6 बजे, फिर 7 बजे वजन दिया, फिर मेडल की सोची हाँ भाई अब कैसे लड़ना है इसके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मैन, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, यू आर ट्रूली एन अमेजिंग इंडियन, एन इंस्पिरेशन, थैंक यू।